विराट 24 न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। रीवा के स्थानीय सर्किट हाउस में हुए हाई प्रोफाइल दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी महंत सीताराम को संरक्षण देने और उसे भगाने के आरोप में पुलिस ने ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी और उनके भांजे अंशुल शुक्ला को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। जिला कलेक्टर और रीवा एसपी ने संजय त्रिपाठी की व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया है, जिसे गिराने की भी कवायद शुरू कर दी गई है। हालांकि इस मामले में पकड़े गए आरोपी संजय त्रिपाठी ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए झूठा फंसाने का आरोप लगाया है। सीएम के सख्त निर्देश के बाद रीवा के सिविल लाइन थाना अंतर्गत सर्किट हाउस में हुए नाबालिग के साथ चर्चित रेप कांड में एक के बाद एक कार्रवाइयां की जा रही है। मुख्य आरोपी सीताराम के बाद जहां अपराधियों के घरों में बुलडोजर चलाकर उन्हें गिराया जा रहा है, तो वहीं इस मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारी भी हो रही है। इस मामले में बाबा को फरार कराने और संरक्षण देने के आरोप में पुलिस ने भोपाल में दबिश देते हुए चर्चित चेहरे ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी और उनके भांजे अंशुल शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उनकी फॉर्च्यूनर कार को भी जब्त कर लिया है। बाबा से पूछताछ में उसने पुलिस से कई खुलासे किए हैं। पुलिस की माने तो घटना के बाद से बाबा फरार होकर संजय त्रिपाठी के घर पर ही रात में रुका था, जिसके बाद उसे फरार करा दिया गया। अपराधी को भगाने उसकी मदद करने के आरोप में पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद अन्य कई खुलासे और हो सकते हैं। शनिवार को जिला कलेक्टर मनोज पुष्प सहित नगर निगम की टीम रेलवे मोड़ के पास से उनके बने 4 मंजिला व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया, जिसका कुछ हिस्सा अवैध रूप से बनाया गया है, जिसे जल्द ही जमींदोज करने की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि इस मामले में पकड़े गए आरोपी संजय त्रिपाठी से पुलिस कस्टडी में पत्रकारों ने जब बात करनी चाहिए तो उनका कहना था कि वो बेकसूर है, उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। मेरा बाबा से कोई मतलब नहीं, मैं धर्म का पुजारी हूँ, मुझे अपने साधु संतों से मतलब है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। बताइए आप मेरी सेवा करने के लिए जो आपने देखा इस घटनाक्रम में, अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अन्य एविडेंस आए हैं उसके आधार पर कुछ और आरोपी पकड़े गए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस कलेक्शन भी किया जा रहा है और इसके पश्चात जो भी अन्य आरोपी होंगे उनकी गिरफ्तारी भी होगी। और जैसा आपने देखा कि अभियान के तहत हम लोग कलेक्टर महोदय और नगर निगम कमिश्नर पूरी टीम यहाँ पर लगातार ये भी देख रही है कि इस प्रकार के बदमाशों का जो भी कार्रवाई करनी है उस पर भी हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं। सर, इसमें सीताराम को रिमांड पर लिया गया था, क्या चीज़ें अभी तक सामने आई उससे? सर, 2 दिन रिमांड आज चोरी हुई। इन्वेस्टिगेशन की हर चीज़ यहाँ पे ओपन करना ठीक नहीं है और वो डायरी का पार्ट होते हैं, उस पर हम लोग उनके जो पॉइंट हैं उसके आधार पर आगे बढ़ के अन्य कार्रवाइयों पर काम कर रहे हैं। इस मामले में संजय त्रिपाठी के कितने इन्वॉल्व हुए? जब घटना के पश्चात आरोपी पहुँचा उनके घर, वहीं रुका, रात भर वहीं रहा और उसके पश्चात उन्होंने आरोपी को भागने में सहयोग किया, अपनी फॉर्चुनर से छोड़ा, तो ये सब चीज़ें अपराध में लिप्तता को प्रदर्शित करती हैं, जो कि सर्वथा उचित नहीं है। नाबालिग से घटना के मामले में आरोपी को संरक्षण देना उनका अपराध में शामिल होना साफ दिखाता है। गवर्नमेंट लैंड पे जो हिस्सा बना हुआ है उसको रिमूव किया जाएगा और अदरवाइज भी पार्किंग वगैरह के इशू जिसमें है उसको भी देखा जा रहा है। सर, अभी सीएम के मिशन दस्तों में वो चल रहा है अपराधियों के खिलाफ, तो इसमें तो कहीं देखिए, जो इस तरह के अपराधी हैं जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं, विशेषकर उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट लैंड पे है और जिसमें निर्माण की अनुमतियाँ नहीं है उन्हीं को किया जा रहा है, जो सही तरीके से बने हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या पाया गया क्या गया? जो टीम है नगर निगम की, एमपीबी की, पीडब्ल्यूडी की और रेवेन्यू की,
वो अपना काम कर रही है और जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। बताइए आप मेरी जांच करने के लिए जो है इस तरीके का नाटक हो रहा है। मैं पहले बेगुनाह था, अभी भी हूँ, मेरा कोई मतलब बाबा से नहीं, मैं धर्म का पुजारी हूँ और मुझे साधु संतों से मतलब है। आपको क्यों लपेटा जा रहा है? उसको लपेटा जा रहा है, बेमतलब लपेटा जा रहा है, कोई भी नहीं कर सही है। और ये शिवराज सिंह ने बोला कि साहब आईजी उसके कारण हमको लपेटा जा रहा है। मैं 8 साल से शिवराज सिंह के साथ पे हूँ, मैं मुख्यमंत्री 8 साल से हूँ, मैंने भाजपा के साथ दिया, मेरे गाँव चुनाव में था, चुनाव में था।